हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं डायरेक्शन टेस्ट की पहली क्लास। तो आज जो है, जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का, वो है डायरेक्शन टेस्ट। तो आज जो है, हम इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि डायरेक्शन टेस्ट क्या होता है और कैसे आप डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जिनको जो है डायरेक्शन का डी भी नहीं आता है, आज ये क्लास उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम डायरेक्शन का डी समझने वाले हैं कि कैसे आप डायरेक्शन के डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है, और आप कैसे डायरेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो देखो, दिशाएं आपकी चार होती हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में आप सबको पता है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो अब अगर हमें पता करना है कि भाई ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, तो आज भी हम वही तरीका अपनाते हैं कि भाई जिधर से जो है सनराइज होता है वो आपका ईस्ट होता है, उसके जस्ट अपोजिट आपका क्या होगा, तो वेस्ट होगा। उसी प्रकार से अगर मेरा जो चेहरा है, मेरा जो फेस है, वो अगर ईस्ट की तरफ है, अर्थात सन की ओर है, ठीक है, तो मेरे राइट में क्या होगा, तो आपने कहा राइट में साउथ होगा और आपके लेफ्ट में क्या होगा, नॉर्थ होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये मैंने किसको जो है किसके अकॉर्डिंग बताया आपको, किसको बेस मान के बताया, ईस्ट डायरेक्शन को, ठीक है, कि ईस्ट जिधर सनराइज होता है, ठीक है, अब उधर चेहरा मेरा भी है, ठीक है। तो भाई जब सनराइज इधर से होता है, उधर चेहरा मेरा है, तो ठीक जस्ट उसके अपोजिट अर्थात मेरे बैक साइड में क्या होगा, वेस्ट होगा, मेरे राइट साइड में क्या होगा, साउथ होगा, मेरे लेफ्ट साइड में क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो यहाँ पर जो है हम बात करने वाले हैं रीजनिंग में, चार डायरेक्शन तो आपकी मेन डायरेक्शन होती हैं और चार उसकी सहायक डायरेक्शन और होती हैं, तो टोटल हम बात करेंगे आठ डायरेक्शनों के बारे में, ठीक है, चार मेन डायरेक्शन और चार उसकी को डायरेक्शन, या कह सकते हैं मिडिल डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले अगर हम समझें डायरेक्शन को, कि डायरेक्शन हम अपने कॉपी में बनाते कैसे हैं, ठीक है ना, अगर बात डायरेक्शन को बनाने की आ गई कॉपी में, तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखो, चार आपकी मेन डायरेक्शन होती हैं, इन चारों डायरेक्शनों को कुछ हम इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, आपका सेंटर पॉइंट हो गया, और ये आपकी जो है चार मेन डायरेक्शन हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपकी ये डायरेक्शन है ईस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट है, और उसके जस्ट अपोजिट ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी वेस्ट, ठीक है, ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी नॉर्थ, और ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी साउथ, अर्थात ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी दक्षिण, ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी पश्चिम, ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी पूर्व, और ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी उत्तर, ठीक है ना, ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी, उत्तर हो जाएगी, क्लियर है, क्लियर। और ये आपका सेंटर पॉइंट है, जहां पे ये चारों डायरेक्शन आपस में क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, आपस में जो है आपस में कनेक्टेड है। अब देखो, एक चीज ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये चारों डायरेक्शन आपस में जो है कनेक्टेड होती हैं, अगर आप किसी एक डायरेक्शन को, आप किसी एक डायरेक्शन को जितने जितना भी आप मूव कर दें, आप एक डायरेक्शन जितना मूव करेंगे, बाकी डायरेक्शन भी उतना मूव कर जाएंगी, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो चारों डायरेक्शन हैं या ये जो आठों डायरेक्शन हैं, ये एक प्रकार से जैसे पंखे की पत्तियां होती हैं। अब पंखे की जो पत्तियां होती हैं, उनको आपने एक को भाई घुमा दिया, तो जो बाकी उसमें लगी हैं दो, वो अपने आप मूव कर जाती हैं, उनको आपको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वही चीज डायरेक्शन में भी है, अगर आपने एक डायरेक्शन को मूव कर दिया, तो बाकी डायरेक्शन भी अपने आप में मूव हो जाती है, उनको आपको घुमाने की, मूव करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सभी आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर बात की, तो ये
चार डायरेक्शनों की, मैंने आपसे कहा टोटल आठ डायरेक्शन होती हैं, तो आठ डायरेक्शन कैसे आएंगी? देखो ये चार मेन डायरेक्शन हैं, चार इसकी मिडिल डायरेक्शन होगी, तो जब मिडिल डायरेक्शन होगी तो दो आपकी मिडिल डायरेक्शन ये हो जाएंगी और दो आपकी मिडिल डायरेक्शन ये हो जाएंगी, ठीक है ना। ये टोटल आपकी आठ डायरेक्शन हो गई, ठीक है, क्लियर है, ये आपकी जो हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो जब मिडिल डायरेक्शन की बात आती है तो ये मिडिल डायरेक्शन कौन सा होगा आपका? नॉर्थ ईस्ट, ये मिडिल डायरेक्शन हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, अर्थात उत्तर पूर्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? उत्तर पूर्व बोलेंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये डायरेक्शन आपका हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका? साउथ ईस्ट, अर्थात इसको हम बोलेंगे जो है, इसको हम बोलेंगे दक्षिण पूर्व, क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व बोलेंगे, ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है भाई? ये आपकी मिडिल डायरेक्शन है, ये तो आपकी मेन डायरेक्शन है। देखो अब मिडिल डायरेक्शन तो ना तो ये साउथ में है ना तो ये आपका ईस्ट में, दोनों के बीच की डायरेक्शन है, तो उसको क्या बोलेंगे? साउथ पूर्व ईस्ट बोलेंगे, अर्थात दक्षिण पूर्व बोलेंगे। इसी प्रकार से देखो ये नॉर्थ और ईस्ट के मिडिल डायरेक्शन क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व बोलेंगे। वेस्ट और साउथ के बीच के डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? तो आपने कहा इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन, अर्थात दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन, क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन। इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, अर्थात उत्तर पश्चिम, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो ये हो जाएगा जो है आपका उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये टोटल हो गए आपके आठ डायरेक्शन। अब एक चीज जरा ध्यान से इसका आंसर मुझे दीजिएगा, सबको आंसर इसका पता होगा कि भाई देखो ऐसा है कि सनराइज कहाँ पे होता है? ईस्ट में। सनसेट कहाँ होता है आपका? वेस्ट में, ठीक है। तो जब सनराइज ईस्ट में होता है अर्थात पूर्व में होता है और सनसेट वेस्ट में होता है अर्थात पश्चिम में होता है, तो भाई सूर्य किस रास्ते से होके जाता है? अब ये बात सही है कि भाई सन तो घूमता नहीं, मूव तो अर्थ करती है, लेकिन अब ये मान के चलते हैं कि चलो सन मूव कर रहा है तो फिर सन किस रास्ते से होके जाएगा? ईस्ट से साउथ होते हुए वेस्ट जाएगा कि ईस्ट से नॉर्थ होते हुए वेस्ट जाएगा? ये नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और साउथ दोनों क्या आपके पोल हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना कि पहले आपने साउथ ईस्ट लिखा, क्या इसको ईस्ट साउथ लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ने में बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई बड़ा अजीब सा साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट साउथ, तो पहले साउथ या पहले नॉर्थ ही क्यों लिखते हैं? चूंकि जो डायरेक्शन है वो किस पर डिसाइड होती है? आपकी जो है नॉर्थ और आपके साउथ पोल पर डिसाइड होती हैं, ठीक है। लेकिन हम किस पर डिसाइड करते हैं? जो है हम डिसाइड करते हैं सनराइज पर, ठीक है, क्लियर है। हाँ ये बात हम लोग कर रहे थे कि सनराइज होता है ईस्ट पर, सनसेट होता है वेस्ट पर। तो सूर्य किस रास्ते से होके जाता है? तो सूर्य जाता है हमेशा किस रास्ते से? साउथ होके वेस्ट जाता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं क्लॉकवाइज हमेशा मूव होता है, क्या होता है? क्लॉकवाइज। और ये है क्लॉकवाइज का मूवमेंट, यही तो है क्लॉकवाइज, ठीक है। अपने दिमाग में आप घड़ी बनाइए, ठीक है। जब अपने दिमाग में आप घड़ी बना लेंगे तो ये मेरा चेहरा की तो आपकी तरफ है, तो अभी तो आपको लेफ्ट राइट में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जैसे ही मेरा चेहरा इधर बोर्ड की तरफ हो जाएगा, अब मैंने अपने दिमाग में बैठा ली कि ये एक घड़ी है, जब ये घड़ी है तो देखो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, ये तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा अर्थ करती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो साउथ को हम संस्कृत में आग्नेय दिशा कहते हैं, क्या कहते हैं? आग्नेय दिशा, अर्थात आग उगलने वाली दिशा। इसका मतलब यह हुआ कि जब सूर्य आपका साउथ में होता है तो सबसे अधिक गर्म होता है, ठीक है। तो आज के बाद कभी भी अगर आपको ये जो है जब क्लियर करना हो कि सूर्य समय किस डायरेक्शन में है, तो आप इस चीज़ से पता कर सकते हैं। जब सबसे अधिक गर्म हो, अर्थात दोपहर 12 बजे सबसे अधिक गर्मी होती है, ठीक है ना, और 12 बजे को ही दोपहर कहते हैं,
तो उसी समय पे सबसे अधिक गर्म होता है, ठीक है, 12 से 1-2 के बीच। तो उस बीच में सन कहाँ होता है आपका, साउथ में होता है, और इसको हम संस्कृत में बोलते हैं आग्नेय दिशा, अर्थात आग उगलने वाली दिशा, ठीक है ना। उत्तर को क्या बोलते हैं, उत्तरायण दिशा, आपने सुना होगा उत्तर सबसे जो है पवित्र दिशा होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमको यहाँ पर ये 8 डायरेक्शनों को बनाने का तरीका सीखना सीख गए कि भाई 4 आपकी मेन डायरेक्शन है, जब भी आप कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो इधर की तरफ ईस्ट, इधर की तरफ उसके जस्ट अपोजिट वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, ठीक है ना। ये जो डायरेक्शन जाएगी इधर की तरफ, ये नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, उसके जस्ट अपोजिट होगा आपका साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट सॉरी, उसके जस्ट अपोजिट होगा साउथ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट के जस्ट अपोजिट होगा आपका साउथ ईस्ट, ठीक है, क्लियर है। और ये चारों आपस में जिस पॉइंट से कनेक्टेड होती हैं, ये पॉइंट आपका सेंटर पॉइंट कहलाता है। तो ये तो बात हो गई 8 डायरेक्शन की, अब हम बात करते हैं इनके बीच के एंगल की, ठीक है। तो जो 2 डायरेक्शन है, जैसे आपका नॉर्थ है और आपका जो है साउथ है, ठीक है ना, आपका नॉर्थ है सॉरी आपका जो है नॉर्थ है और ईस्ट है, नॉर्थ और साउथ तो अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है ना, ईस्ट और वेस्ट तो अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट का मतलब हो गया इनके बीच का एंगल 180 डिग्री का होगा। तो यहां पर देखो, जो नॉर्थ और ईस्ट जब आपस में मिलते हैं तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, कितने डिग्री का, तो आपने कहा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसी प्रकार से जो है, जब ईस्ट और आपका साउथ आपस में मिलते हैं, जब ईस्ट और साउथ आपस में मिलते हैं तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। जब आपका वेस्ट, जब जो है वेस्ट और आपका जो है यहाँ पर वेस्ट और साउथ जब आपस में मिलते हैं तो ये भी जो है 90 डिग्री का एंगल आपस में बनाते हैं। तो ये एंगल जो है ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। इसी प्रकार से जो आपका वेस्ट है और जो आपका साउथ नॉर्थ है, ये जब आपस में मिलते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये जो पूरा सर्कल है आपका, ये होता है आपका 360 डिग्री का। तो अगर एक व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन में चेहरा करके खड़ा हो जाए, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, और यदि उसको 360 डिग्री मूव करा दिया जाता है, चाहे क्लॉकवाइज करा दीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज करा दीजिए, तो वह फिर से उसी डायरेक्शन में जाकर खड़ा हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये पूरा सर्कल होता है आपका 360 डिग्री का, ठीक है ना, कितने का होता है आपका 360 डिग्री का होता है। अब देखो, जो मिडिल डायरेक्शन है, जो मिडिल डायरेक्शन है वह इस एंगल को 90 डिग्री को 45-45 में डिवाइड कर देती है। अर्थात अगर मैं बात करूं तो जो नॉर्थ ईस्ट है, ये जो है आपका इस 90 डिग्री को 45-45 डिग्री में डिवाइड कर देगा। इसी प्रकार से ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, तो आपने कहा 45 डिग्री का। इसी प्रकार से ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45, ये एंगल 45। तो अब यहां से देखो एक बात निकल के आती है कि अगर बात यहां पर एंगल की होगी, बात यहां पर एंगल की होगी, तो एंगल 2 फॉर्म में आपके डायरेक्शन में होता है, 45 और 90 डिग्री, ठीक है। अगर बात यहां पर एंगल की होगी तो आपके डायरेक्शन में 2 फॉर्म में एंगल होता है, 45 डिग्री और आपका 90 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री और आपका 90 डिग्री। अब इन्हीं से मिलके आपका जो है 135 बनेगा, इन्हीं से मिलकर के आपका 180 बनेगा, इन्हीं से मिलकर के आपका 225 बनेगा, इन्हीं से मिलकर के आपका 270 बनेगा, इन्हीं से मिलके आपका 315 बनेगा, और इन्हीं से मिलके आपका जो है 360 बन जाएगा, क्लियर है। तो 90 और 45 के फॉर्म में ही एंगल होता है। अब सपोज करो क्वेश्चन में दिया हो 100 डिग्री, कितना दिया गया, 100 डिग्री। अब दिमाग में एक बात आती है, सर 100 डिग्री तो आपने पढ़ाया ही नहीं, 100 डिग्री तो आपने बताया ही नहीं। क्वेश्चन में आ गया सर 35 डिग्री, सर 35 डिग्री तो आपने बताया ही नहीं। तो भाई उसको इसके जो है आसपास मान लेते हैं ना, ठीक है ना। जैसे मान लो 100 डिग्री दिया तो उसको हम कितना मान लेंगे, 90 डिग्री। 35 दिया, कितना मान लेंगे जो है, 45 डिग्री, ठीक है। तो उसको इतना मान करके आप वहाँ पर उसको लगा दीजिए, आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है,
क्लियर, दो चीज क्लियर हो गई, डायरेक्शन क्लियर हो गया, एंगल क्लियर हो गया। तो आपके इसमें दो फॉर्म में एंगल होता है आपका 90 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है लेफ्ट राइट का। अब हम बात करते हैं कि आप लेफ्ट कैसे लेंगे, आप राइट कैसे लेंगे, अर्थात जब आपको जो है दायां या बायां मुड़ना होगा तो आप कैसे मुड़ेंगे, उसकी बात जरा कर लेते हैं। राइट मतलब दायां, लेफ्ट मतलब बायां, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट राइट में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, अगर हिंदी बोल दायां बायां तो सबसे दायां क्या होता है, बायां क्या होता है, तो भैया दायां मतलब होता है राइट और बायां मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है। अब देखो तो यहां पर हम बात करने वाले थे लेफ्ट राइट किस प्रकार से लिया जाएगा। तो जैसे सपोज करो यहां पर आप सबसे पहले यहां पर आप खड़े हैं जो है ईस्ट की तरफ चेहरा करके, आप ऐसे खड़े हैं, ठीक है, इस प्रकार से खड़े हैं। अब अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए कि क्लॉक वाइज में अर्थात घड़ी की दिशा में हमेशा आपका राइट होता है और आपका जो है एंटी क्लॉक वाइज अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में हमेशा आपका लेफ्ट होता है, ठीक है ना। तो क्लॉक वाइज राइट, एंटी क्लॉक वाइज लेफ्ट। तो जब भी आप यहां पर लाइन को ड्रा करें तो उसमें लास्ट में एरो जरूर बना लें। अब एरो को आप ये लेके चलें कि ये एक क्लॉक की सुई है। अब क्लॉक की जब सुई है तो जब ये क्लॉक वाइज में मूव करेगी इस प्रकार से, तो किधर मूव करेगी, राइट में, तो ये हो जाएगा इसका दायां, ये हो जाएगा इसका दायां, और जब ये एंटी क्लॉक वाइज में मूव करेगी तो ये हो जाएगा इसका बायां, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से लेफ्ट, ठीक है ना। इस प्रकार से आप चेहरा करके खड़े हैं, जब जो है आप नीचे की तरफ मुड़े अर्थात क्लॉक वाइज मुड़े तो राइट मुड़ गए, और अगर आप एंटी क्लॉक वाइज मुड़ गए, ठीक है ना, अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है तो आपको मुड़ना पड़ेगा जो है एंटी क्लॉक वाइज, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट, ये हो जाएगा लेफ्ट अर्थात बायां, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपका चेहरा पूर्व में है अर्थात ईस्ट में है तो आपके लेफ्ट में नॉर्थ होगा, आपके राइट में साउथ होगा। तो अगर आपको लेफ्ट मुड़ने के लिए कह दिया है तो आप किधर मुड़ जाएंगे, नॉर्थ में, और अगर आपको राइट मुड़ने के लिए कहा जाए कहां मुड़ेंगे आप, साउथ में। अब इसी प्रकार से आप खड़े हो गए साउथ में, इस प्रकार से खड़े हैं आप यहां पर। अब आपको राइट मुड़ना है तो फिर से बात वही आती है, क्लॉक वाइज में क्या होगा राइट और एंटी क्लॉक वाइज में क्या होगा आपका लेफ्ट। तो अगर आपका चेहरा साउथ में है और आप जो है राइट मुड़ते हैं तो आपका चेहरा हो जाएगा कहाँ, वेस्ट में, और अगर आप लेफ्ट मुड़ते हैं तो आपका चेहरा कहाँ हो जाएगा, ईस्ट में। इसी प्रकार से आप आकर खड़े हो गए वेस्ट में, ठीक है ना। आप कहाँ पे आके खड़े हो गए, आप खड़े हो गए आकर के वेस्ट में, पश्चिम को यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। आप खड़े हो गए आकर के वेस्ट में और आपका चेहरा है इस प्रकार से वेस्ट की तरफ, यही तो है वेस्ट, ठीक है। अब देखो क्लॉक वाइज जब आप मूव करेंगे तो आप राइट मूव करेंगे, और जब आप एंटी क्लॉक वाइज मूव करेंगे, जब आप एंटी क्लॉक वाइज मूव करेंगे तो आप लेफ्ट मूव करेंगे। इसी प्रकार से आप पहुंच गए कहाँ, नॉर्थ में, और आप यहाँ पर खड़े हैं। इसको ज़रा थोड़ा सा और नीचे लिख लेते ताकि यहाँ पे आपको लेफ्ट राइट लिखने में आसानी रहे। ये नॉर्थ है, ठीक है ना, अर्थात आपका उत्तर डायरेक्शन है, क्या है, उत्तर दिशा है, ठीक है। आप इस प्रकार से खड़े हैं, आप जब क्लॉक वाइज मूव करेंगे तो राइट आएगा, और जब आप एंटी क्लॉक वाइज मूव करेंगे तो आपका लेफ्ट आएगा, क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। लेफ्ट राइट क्लियर है, लेफ्ट मतलब बायां, राइट मतलब दायां। तो अगर चेहरा आपका नॉर्थ में है और अगर आप जो है क्लॉक वाइज मूव करते हैं तो आप दायां घूम जाएंगे, और अगर आप एंटी क्लॉक वाइज मूव करते हैं तो आप बायां घूम जाएंगे। तो ये पूरा आपका लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्लॉक वाइज में क्या होता है, क्लॉक वाइज जब आप मूव करते हैं तो क्लॉक वाइज में आपका राइट होता है अर्थात आप दायां घूमते हैं, और जब आप एंटी क्लॉक वाइज मूव करते हैं, ठीक है ना, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, तो आप लेफ्ट मूव करते हैं
आप लेफ्ट मूव करते हैं अर्थात बायां मूव करते हैं, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा तो वहां पर आपका दायां, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा तो वहां पर आपका बायां, ठीक है, क्लियर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, लेफ्ट राइट कैसे हमें लेना है, एंगल कैसे लेना है, डायरेक्शन को ड्रॉ कैसे करना है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब जरा यहां पर बात कर लेते हैं कि भाई जब आपसे डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या क्या पूछे जाते हैं। तो डायरेक्शन में आपसे डायरेक्शन पूछा जाता है कि आप किस डायरेक्शन में हैं। डायरेक्शन दो तरीके से पूछा जाता है, आप अपने घर से निकले, एक बार लेफ्ट मुड़े एक बार राइट मुड़े, अब आप कहीं पर पहुंच गए तो वहां से आप किस डायरेक्शन में हैं, मतलब जहां आप पहुंचे हैं वहां से आपका घर या आप जहां से चले थे स्टार्टिंग पॉइंट से वहां से आप किस डायरेक्शन में हैं, या जो है जहां पर आप पहुंचे हैं वहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन पूछा जाता है। आपसे दूरी पूछी जाती है कि कितनी डिस्टेंस है, ठीक है ना। पहली बार आप 10 किलोमीटर चले, फिर दूसरी बार आप 5 किलोमीटर चले, तो अब जो है आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर पहुंच गए। तो डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, दोनों में मिक्स आ जाते हैं, डायरेक्शन और डिस्टेंस साथ में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई पहले, ठीक है, बाकी चीज़ें हम क्वेश्चन के माध्यम समझेंगे। अब जरा एक बात और समझ लेते हैं, जैसे कि हमने एक बात एंगल की कर ली है, एंगल दो फॉर्म में होते हैं मैंने आपको बता रखा है। एंगल आपके, एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल आपका दो फॉर्म में होता है, एक 90 डिग्री और एक आपका 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम 90 में 45 को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा आपका कितना, 135। इसी प्रकार से अगर 135 में 40 और ऐड कर दें 45 तो ये बन जाएगा आपका 180। इसी प्रकार से जो है अगर आप 180 डिग्री में आप 45 और ऐड कर दें तो ये बन जाएगा आपका 225 डिग्री। इसी प्रकार से 225 डिग्री में आप 45 और ऐड कर दें तो ये बन जाएगा जो है आपका 270 डिग्री। अब देखो यहाँ पे इस बात को ध्यान देना, क्योंकि 90 और 45 के फॉर्म में होता है, अब अगर आपको 225 डिग्री मूव करना पड़ जाए तो आप कैसे मूव करेंगे। तो आपने कहा कि 90 दो बार में क्या होगा आपका 180 और 45 एक बार। अगर आपको 270 मूव करना पड़ जाए तो 90 3 बार, तो आप 270 में पहुंच जाएंगे। 270 डिग्री प्लस आपने 45 डिग्री और मूव कर लिया तो आप पहुंच गए 315 डिग्री में, और 315 प्लस का आपका 45 डिग्री तो आप पहुंच गए पूरा का पूरा 360 डिग्री में, और पूरा का पूरा सर्कल आपका होता है 360 डिग्री का। अर्थात अगर आप किसी भी एक डायरेक्शन में खड़े हैं और आपको 360 डिग्री मूव करा दिया जाए तो आप फिर से उसी डायरेक्शन में आ जाएंगे। दूसरी बात जरा समझो यहाँ पर एक चीज़ और, कि अगर आपको डायरेक्शन में डिस्टेंस फाइंड करनी हो, क्या निकालना हो, डिस्टेंस फाइंड करनी हो, तो हर क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन अगर जो आप डायग्राम बना रहे हैं और उस डायग्राम में आपका राइट एंगल बन रहा है, तो वहाँ पे आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है ना, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अर्थात प्रमेय लगाएंगे, ठीक है ना, थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल में ही लगती है। अब राइट एंगल की अगर बात करें तो देखो, ये आपका राइट एंगल है, इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया आपने बी, इस पॉइंट को नाम दे दिया आपने सी। तो ए बी सी आपका एक राइट एंगल है, जिसमें आपका एसी जो है हाइपोटेनस है, ठीक है ना, जिसमें आपका जो है
एसी क्या है, हाइपोटेनस, जिसमें बीसी आपका बेस है, और जिसमें आपका एबी जो है आपका क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है, ठीक। तो एसी क्या है आपका हाइपोटेनस, बीसी क्या है आपका बेस है, और आपका जो है एसी एबी क्या है, परपेंडिकुलर, अर्थात एसी आपका कर्ण हो गया, ये आपका कर्ण है, ये कर्ण है, और ये आपका आधार है, आधार है, और ये आपका लंब है, ठीक है, ये आपका लंब है। तो आपका जो है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो आपने कहा पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अर्थात यहां पे देखो हो जाएगा आपका एसी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका बीसी का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे एसी के स्क्वायर को हम हटा दें तो ये किस में चला जाएगा आपका रूट में, एबी का स्क्वायर प्लस आपका बीसी का स्क्वायर। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपका पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना पड़े, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जहां पर राइट एंगल बनेगा वहां पर आपको पाइथागोरस थ्योरम जरूर लगानी है, किसमें, डिस्टेंस को निकालने में। इतनी बात क्लियर है? तो हमने क्या क्या समझ लिया, डायरेक्शन क्या होता है, एंगल कैसे लेना है, ठीक है ना, और जो है डिस्टेंस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इतनी सारी बातें आपकी क्लियर हो गई। तो चलिए अब बाकी चीजें हम समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं भाई क्वेश्चन पर। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहले क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए और फिर क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। जैसा क्वेश्चन कह रहा है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ करके आंसर दे पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं दे पा रहे तो फिर डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बात आती है सर डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो देखो जरा क्वेश्चन को जरा पहले पढ़ लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, अ पर्सन वॉक्स 30 मीटर टूवर्ड साउथ, आफ्टर दैट ही टर्न टू हिज राइट एंड अगेन वॉक्स 30 मीटर, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर, ही अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, टेल हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है, बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले व्यक्ति वो कहाँ जाता है, तो साउथ में जाता है, दक्षिण की तरफ जाता है। अब डायग्राम कैसे बनाएंगे, डायग्राम हमेशा आप बनाएंगे सेंटर पॉइंट से। कहाँ से बनाएंगे, सेंटर पॉइंट से। आपने कहा यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, साउथ कहाँ होता है, नीचे की तरफ, आपने नीचे की तरफ एक लाइन खींच दी। ध्यान रखिएगा कि जब आप डायग्राम बनाते हैं तो उसमें दूरी का एक काफ़ी बड़ा रोल होता है, जो डिस्टेंस आप बनाते हैं उसका काफ़ी बड़ा एक रोल है। रोल का मतलब ये है कि वहाँ पर ये नहीं कि आप 10, 30 और 20 को एक साथ बनाते कि भाई जितना 30 होगा उतना 20 होगा, तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये सबसे पहले वो कहाँ जाता है, साउथ में, और कितने मीटर जाता है, तो आपने कहा पर्सन वॉक्स 30 मीटर टूवर्ड्स साउथ, तो ये दूरी है 30 मीटर, ठीक है। तो अगर 20 मीटर को आप बनाएंगे 30 से आप कम बनाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो एक दूरी हमने मान ली, एक लाइन हमने मान ली, ठीक है। आगे जरा देखिए, फिर कह रहा है कि 30 मीटर जाता है, इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, अर्थात अब उसको कौन सा टर्न करना है, राइट टर्न करना है। तो राइट टर्न करेगा तो क्लॉकवाइज में करेगा ना, तो ये होगा क्लॉकवाइज, ये टर्न उसका क्लॉकवाइज हो जाएगा। अच्छा, अब दूरी कितना चलता है, तो दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर चलता है, अर्थात ये दूरी भी उसकी कितनी है, 30 मीटर की, ठीक है। अब देखो, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर, अब किधर उसको टर्न करना है, तो लेफ्ट टर्न करना है, तो को ये जा रहा है कहाँ, वेस्ट में, ठीक है ना, कहाँ जा रहा है, वेस्ट में। देखो हर जगह मैंने एरो बना रखा है, जब आपका जो है लेफ्ट टर्न करेगा तो यह एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, तो इस प्रकार से मुड़ जाएगा, और ये दूरी कितनी है,
ये दूरी है आपकी 20 मीटर, ये दूरी कितनी है 20 मीटर, ठीक है, क्लियर है। और पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब यहाँ से फिर से वह लेफ्ट मुड़ेगा, अब ये जा रहा कहाँ से, फिर से साउथ में, तो फिर से जब लेफ्ट मुड़ेगा तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा और 30 मीटर की डिस्टेंस है, तो बिल्कुल बराबर में इसके बनाएंगे, बिल्कुल बराबर में बनाएंगे, एक भी आपका आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है ना। अब बाकी आगे पीछे आप समझ जाएंगे बिल्कुल बराबर में आएगा, क्यों, चूँकि ये दूरी कितनी है 30 मीटर है, ये दूरी 30 मीटर है, तो ये बिल्कुल बराबर में आएगा ना। तो कह रहा है कि अब बताइए कि वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अर्थात प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो एक चीज बताइए, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है ना, अर्थात प्रारंभिक बिंदु था, ठीक है। इसको हमने मान लिया, इसको हमने मान लिया ए, इसको हमने मान लिया ए, अच्छा इस समय वो आगे खड़ा कहाँ है, हमने मान लिया बी पर खड़ा है। तो उसने कहा ए से बी तक की डिस्टेंस क्या है, ए से बी तक की डिस्टेंस क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है ना, आपको ए बी इक्वल्स टू बताना है। तो एक चीज जरा समझो, देखो ये दूरी, ये दूरी आपकी, ये दूरी और जो है यहाँ पर जो आपकी ये दूरी है, ये बिल्कुल बराबर होगी ना, अर्थात ये 20 है तो ये भी कितनी होगी 20 होगी, ठीक है ना, ये 20 है तो ये भी कितनी होगी 20 होगी। अब देखो यहाँ कहीं भी क्या राइट एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ए बी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, आपने कहा ए बी बराबर हो जाएगा भाई 30, तो आपका ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 20 हो गया, तो 30 + 20 तो ये हो जाएगा आपका 50 मीटर, कितना हो जाएगा 50 मीटर, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अब वह कितनी डिस्टेंस पर है, 50 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में आपका राइट एंगल बनेगा, लेकिन जहां पर राइट एंगल बनेगा वहां पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जहां नहीं बनेगा वहां लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 50 मीटर, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड आफ्टर वॉकिंग 40 मीटर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड देन वॉक्स 40 मीटर, आफ्टर दिस ही अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर, ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 50 मीटर, टेल हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अशोक उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है एवं 40 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 40 मीटर चलता है, इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है, वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है, तो बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो टर्न हर बार लेफ्ट ही उसको करना है, इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा सबसे पहले चलना किधर स्टार्ट करता है, तो आपने कहा नॉर्थ में चलता है, किधर चलता है, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में चलता है। तो आपने यहाँ पर सेंटर पॉइंट ये बना लिया, ये सेंटर पॉइंट हो गया, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, तो आप ये जो है ऊपर की तरफ आपने एक लाइन खींच दी, ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ इस प्रकार से जाएगा और ये दूरी है जो है आपकी कितनी है 40 मीटर, कितनी है 40 मीटर। इसके बाद उसने लेफ्ट टर्न किया, फिर से 40 मीटर चला, भाई ये तो 40 क्लियर हो गया, ये 40 मीटर चल चुका, अब लेफ्ट टर्न कर रहा है बाईं ओर, फिर से मुड़ रहा है बाईं ओर, मतलब हो गया लेफ्ट टर्न, और फिर से क्या चलेगा 40 मीटर चलेगा, तो लेफ्ट टर्न क्या होगा एंटी क्लॉक वाइज, लेफ्ट टर्न क्या होगा एंटी क्लॉक वाइज, तो आपने कहा अब ये मुड़ जाएगा इधर, अब ये मुड़ जाएगा इधर और चलेगा जो है कितना दूरी, ये चलेगा जो है 40 मीटर, कितना चलेगा 40 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट टर्न, ठीक है ना, ये चलेगा आपका 40 मीटर, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद वह फिर से 40 मीटर, फिर से सॉरी लेफ्ट टर्न मुड़ता है, फिर देखो बाईं ओर मुड़ता है, फिर से लेफ्ट टर्न करता है और अब चलता है वो 30 मीटर, अब चलता है वो 30 मीटर, ठीक है। तो अब देखो जब यहाँ से ये लेफ्ट टर्न करेगा तो कहाँ करेगा, नीचे की तरफ 30 मीटर चलेगा, ध्यान रखना अब इससे कम चलेगा, अब इससे जो है कम चलेगा, क्योंकि ये 40 है, ठीक है ना, ये आपका 40 है, तो जो 30 होगा वो कम होगा इतना बस, ठीक है ना, जो 40 होगा वो इससे कम ही तो होगा भाई, मेरी बात समझ में आ रही है, ये कितना हो जाएगा, ये 30 है। तो यही मैंने कहा था जब शुरुआत में कि आप जब डायग्राम को बनाएं तो दूरी का एक बहुत बड़ा जो है रोल होता है, उसको बहुत ध्यान से आपको बनाना है। तो अब ये नहीं कि 30 बिल्कुल बराबर में आप इसके बना दें, तो ये हो जाएगा आपका कितना 30 मीटर, ठीक है ना,
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 मीटर, ये तो हो गया आपका 40 और ये हो जाएगा इधर 30, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ पर आके खड़ा हो गया, ये यहाँ से यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अब इसके बाद फिर से वह, इसके बाद फिर से वह लेफ्ट टर्न करता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और अब चलता है 50 मीटर। तो ये खड़ा है कहाँ, साउथ की तरफ। जब लेफ्ट टर्न करेगा तो यही तो लेफ्ट टर्न होगा और ये आपका 50 मीटर है, तो ये तो इससे आगे निकल जाएगा, ये इससे आगे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो आपका 40 है और ये आपका 50 है, तो 50 तो इससे आगे निकल जाएगा ना, क्योंकि भाई इतनी दूरी ही तो 40 है और वो तो 50 जा रहा, तो इससे आगे निकल गया। कितना आगे निकला? 10 मीटर ज़्यादा निकल गया। तो अब देखो, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका लास्ट पॉइंट, ये उसका लास्ट पॉइंट है। तो आपसे कहा गया कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, अर्थात ये दूरी आपको बतानी है, ठीक है ना। ये दूरी आपको बतानी है कि जो इसका लास्ट पॉइंट है वो यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो अब देखो जरा एक बात समझो, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी की अगर हम बात करें, ठीक है ना, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी की अगर हम बात करें, ठीक है, इसको हमने नाम दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी और इसको नाम दे दिया डी। अगर मैं आपसे बात करूँ ए बी और इसको नाम दे दिया मैंने ई, इसको नाम दे दिया मैंने क्या ई, और इसको नाम दे दिया मैंने एफ, तो एक चीज़ ज़रा देखो, ए बी बराबर ई एफ के होगा, ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ई एफ के हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ए बी बराबर ई एफ के है तो ई एफ कितना है, 40 मीटर, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 40 मीटर, ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 40 मीटर, ठीक है। तो अब हमको ए बी की तो 40 मीटर मिल गया, लेकिन हमको ये आगे चाहिए बी डी। तो आपने कहा जब ए बी 40 है तो बी डी कितना हो जाएगा, आपने कहा बी डी बराबर हो जाएगा 10 मीटर, बी डी बराबर हो जाएगा 10 मीटर, ये भी 10 ही तो होगा, क्योंकि यहाँ से ए से डी तक की टोटल दूरी है आपकी 50 मीटर, ए से बी तक की है 40, तो वो आगे आपका हो गया 10 मीटर। अब देखो यहाँ से जो ये पॉइंट आपका है जहाँ से आपने चलना शुरू किया है, यहाँ से सी से एफ तक की दूरी पूरी आपकी कितनी है, 40 मीटर, ठीक है। सी और देखो एफ से बी तक की दूरी कितनी है, 30 मीटर, ये 30 है, एफ से बी कितना है 30, तो बी से सी कितना होगा आपका 10 होगा, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा आपका, बी सी बराबर भी आपका 10 मीटर हो जाएगा। अब देखो अगर आप यहाँ पे देखें तो डी बी सी आपका एक राइट एंगल है, ठीक है ना, जो डी बी सी है, कौन सा आपका डी बी सी, ये आपका एक राइट एंगल है, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो पाइथागोरस थ्योरम बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा रूट के अंदर, रूट के अंदर आपका बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका बी डी का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा आपका बी डी का स्क्वायर। तो बी सी कितना है, आपने कहा बी सी 10 है, बी डी 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100, तो सी डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सी डी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका टू रूट के अंदर 200, कितना आ जाएगा रूट के अंदर 200। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 10√2, क्या लिख सकते हैं 10√2 लिख सकते हैं, तो 10√2 आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, यहाँ पे बी सी की वैल्यू कितनी आपकी 10 है, 10 का स्क्वायर 100, बी डी की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, तो ये आपका सी डी इक्वल टू रूट के अंदर 200 हो गया। अब रूट के अंदर 200 तो ऑप्शन में, लेकिन 10√2 तो आपका दिया गया है, तो आप रूट 200 को आप 10√2 लिख सकते हैं, तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो जहां पे राइट एंगल बनेगा वहां पर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, लेकिन हर क्वेश्चन में राइट एंगल बने जरूरी नहीं, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में नहीं बना, इसमें बन गए तो उसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि श्याम गोज 100 मीटर टूवर्ड्स साउथ, फ्रॉम देयर ही अगेन गोज 60 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन ही गोज 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, टेल इन विच डायरेक्शन एंड एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। श्याम 100 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, वहां से वह फिर 60 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह 30 मीटर पूर्व की ओर जाता है,
बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। अब देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन भी पूछी गई है और डिस्टेंस भी पूछी गई है। तो सबसे पहले देखो किस डायरेक्शन में, दक्षिण में जाता है अर्थात साउथ में जाता है। तो आपने कहा यहाँ पर देखो एक पॉइंट आपने बनाया, एक पॉइंट आपने यहाँ पे बना लिया, ठीक है, और यहाँ से वह साउथ में चला गया, यहाँ से जो है वह साउथ में चला गया। और साउथ में कितनी दूरी गया, साउथ में कितनी दूरी गया, तो आपने कहा साउथ में गया 100 मीटर, ठीक है ना। एक यहाँ पर आपने पॉइंट बनाया और यहाँ से वह गया साउथ में, साउथ में गया आपका 100 मीटर, साउथ में गया आपका 100 मीटर, ठीक है, क्लियर। अब देखो साउथ में 100 मीटर जाने के बाद वह फिर से जो है नॉर्थ में 60 मीटर जाता है। अब एक बात हमारे दिमाग में, सर यहां से नॉर्थ कैसे जाएगा, तो भाई देखो ऐसा है कि साउथ के जस्ट अपोजिट क्या होता है आपका नॉर्थ, ईस्ट के जस्ट अपोजिट आपका वेस्ट, और नॉर्थ के जस्ट अपोजिट आपका होता है आपका साउथ, और साउथ के जस्ट अपोजिट होता है आपका नॉर्थ। तो अब ये जब ये नॉर्थ कहाँ जा रहा है, अभी साउथ में, अब यहाँ से जब ये नॉर्थ में जाएगा तो ये फिर से यहाँ से इसके ऊपर की तरफ फिर से मुड़ जाएगा, फिर से ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, और ये दूरी कितना चलता है, ये दूरी चलता है 60 मीटर, ये कितना चलता है, ये चलता है आपका 60 मीटर, ठीक है भाई। यहाँ पे पहले आया, पहले ये साउथ में आया, ठीक है ना, पहले यहाँ चला कितना चला आपका, तो ये चला जो है 100 मीटर, 100 मीटर चला यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद फिर यहाँ से यह मुड़ गया ऊपर की तरफ, और ये जब चला कितना आपका, ये चला जो है साउथ में चला जो है कितना आपका 60 मीटर। तो आप एक चीज़ बताओ कि अगर मैं इस पॉइंट को ए नाम दे दूँ और इस पॉइंट को बी नाम दे दूँ और इस पॉइंट को मैं सी नाम दे दूँ, तो ए से बी कितना है, आपने कहा ए से बी कितना है, तो आपने कहा 100, ठीक है। अच्छा बी से सी कितना है, बी से सी है आपका 60, तो आपने कहा ए से सी कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 40, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ए से सी तक कितना बचेगा आपका 40, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि 60 मीटर उत्तर की ओर, फिर वह वहां से 30 मीटर पूर्व की ओर मुड़ जाता है, ठीक है ना, जो 30 मीटर वो टर्न करता है वो ईस्ट में टर्न करता है, और ईस्ट कहाँ, इधर की तरफ है आपका, ठीक है। तो देखो ईस्ट इधर की तरफ टर्न करेगा, और ये जो दूरी है वो कितनी है आपकी, वो है 30 मीटर, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस है वो है आपकी 30 मीटर, ठीक है ना, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 30 मीटर, ठीक है ना, ये आपका टर्न कर गया 30 मीटर, और यहाँ पे आप आके रुक गया, इसको आपने नाम दे दिया डी, ये आपका है कितना 40 मीटर, कौन सा, ए से सी। तो कह रहा है तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से, तो यही तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ से वह किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पर है। तो आपने कहा कि अगर मैं ए से डी की बात करूँ, अब ध्यान से बात मेरी समझिएगा, उसने कहा है कि जहाँ ए से जो है डी किस डायरेक्शन में है, तो आपने कहा स्टार्टिंग पॉइंट से जो लास्ट पॉइंट है वो किस डायरेक्शन में है, जरा ध्यान से समझिए। आपको यहाँ पर डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा, आप यहाँ पे चारों डायरेक्शन, यहाँ पर इस पॉइंट में चारों डायरेक्शन ड्रॉ कर दीजिए। देखिए ये ईस्ट होता है, ऊपर की तरफ आपका नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ आपका साउथ होता है, इधर की तरफ आपका वेस्ट होता है। तो ये जो डायरेक्शन है ये आपका इसके बीच की डायरेक्शन, अर्थात ये जो डायरेक्शन है वो आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन तो आपका आ गया साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूर्व, ठीक है ना। तो डायरेक्शन कौन सा हो गया आपका, साउथ ईस्ट। डिस्टेंस कितनी है, तो अब देखो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक राइट एंगल बनेगा, ये एक आपका राइट एंगल बनेगा ए सी डी, ए सी डी एक राइट एंगल बनेगा, जहाँ पे आपका ए डी जो है हाइपोटेनस है, सी डी आपका बेस है और ए सी आपका परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी इक्वल्स टू रूट के अंदर हो जाएगा आपका सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर, ठीक है ना। सी डी कितना बेटा, सी डी देखो आपका है 30, ए सी कितना है आपका 40, तो ये हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका 40 का स्क्वायर,
हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 900, ये हो जाएगा आपका 900 और ये हो जाएगा आपका 1600। तो ये हो जाएगा टोटल आपका 2500। कितना हो जाएगा 2500, और 2500 किसका रूट होता है आपका 50 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका AD, कितना आ जाएगा AD बराबर आ जाएगा आपका 50 मीटर। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस कितनी आ गई 50 मीटर, और डायरेक्शन कौन सी आ गई साउथ ईस्ट, तो 50 मीटर साउथ ईस्ट आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा 50 मीटर साउथ ईस्ट, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है ये, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि रवि वॉक्स 30 मीटर फेसिंग नॉर्थ, आफ्टर दैट ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 50 मीटर, आफ्टर दिस ही अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 30 मीटर, टेल इन विच डायरेक्शन एंड एट वॉट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। उत्तर की ओर मुख करके रवि 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है, इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो अब देखो भाई, यहाँ पे आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों बताना है। तो सबसे पहले जो रवि है वो किस डायरेक्शन में जाता है आपका, नॉर्थ में, ठीक है ना। इसके बाद वह लेफ्ट टर्न लेता है, तो आपने कहा कि यहाँ पर हमने वो सेंटर पॉइंट मान लिया, नॉर्थ ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ चले गए। दूरी कितनी है, तो आपने कहा दूरी है 30 मीटर की, दूरी कितनी है 30 मीटर, तो ये चल गया 30 मीटर। इसके बाद वह लेफ्ट टर्न लेता है, ठीक है ना, कौन सा टर्न लेता है, बाईं ओर मुड़ जाता है अर्थात लेफ्ट टर्न लेता है, और कितना चलता है 50 मीटर, ठीक है ना, लेफ्ट टर्न लेता है 50 मीटर चलता है। तो एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट टर्न होगा, तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट टर्न, ये हो जाएगा लेफ्ट टर्न और ये चलेगा 50 मीटर, ठीक है ना, ये हो जाएगा लेफ्ट टर्न और ये चल रहा है कितना 50 मीटर, ठीक है। इसके बाद फिर से जो है वह लेफ्ट टर्न के बाद फिर से वह लेफ्ट टर्न लेता है और अब चलता है 30 मीटर, कहाँ मुड़ता है बाईं ओर, बाईं ओर मतलब हो गया लेफ्ट टर्न, अब कितना चल रहा है 30 मीटर, तो ये जा रहा है अब साउथ में, लेफ्ट टर्न मतलब हो जाएगा फिर से जो है वह एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा और ये फिर से आपका जो है 30 मीटर चलता है, तो बिल्कुल इसके बराबर में आ जाएगा, ये बिल्कुल इसके जो है बराबर में आएगा, एक भी आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दूरी आपकी बराबर है, तो भाई ये बिल्कुल बराबर में आके इसके खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल बराबर में आके खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे आप मान के चलो ये खड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर इस पॉइंट को आप मान लें, कितना, इस पॉइंट को आप A मान लें, ठीक है ना, इस पॉइंट को अगर आप A मान लें और इस पॉइंट को आप B मान लें, तो A और B पॉइंट दोनों एकदम बराबर हैं, तो आपसे कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो आपने कहा ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है अर्थात A, और B उसका लास्ट पॉइंट है, B उसका जो है लास्ट पॉइंट है, B कौन सा पॉइंट है, B उसका लास्ट पॉइंट है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि A से B किस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, आपको जो बताना है वो क्या बताना है, A से B किस डायरेक्शन में है। तो आपने कहा कि अगर डायरेक्शन की बात करें और डिस्टेंस की बात करें, तो डायरेक्शन तो A से B का आ जाएगा वेस्ट, A से B का कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, वेस्ट, भाई A यहाँ पर है B यहाँ पर है, और A से अगर हम देखें तो B किस डायरेक्शन में है, वेस्ट में ही तो है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा आंसर, ये मत दीजिए सर B तो अब आपका साउथ में है, साउथ में तो अभी जा रहा है, साउथ में तो उसकी मूविंग हो रही थी, ठीक है ना, जब उसने जो है यहाँ से लेफ्ट टर्न किया तो वो साउथ में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आके रुक गया, और ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से उसने चलना शुरू किया था, तो A से वो चला और B पर वो पहुँच गया, तो B तो उसका लास्ट पॉइंट है, अब B से आगे वो जा ही नहीं रहा, कह रहा नहीं भाई मैं तो यहाँ पे आके रुक गया। तो B जो है वह A से किस डायरेक्शन में है, तो आपने कहा वेस्ट डायरेक्शन में है। दूरी कितनी है, तो आपने कहा कि देखो अगर इस पॉइंट को मैं C मान लूँ और इस पॉइंट को मैं D मान लूँ, तो आप कहेंगे कि जो AB बराबर किसके हो जाएगा, CD के, AB बराबर CD के हैं बिल्कुल, और CD कितना है 50, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 50, और ये भी आपका 30 मीटर है, ध्यान रखना जब ये मुड़ता है तो 30 मीटर चलता है, तो ये डिस्टेंस जितनी उसने तय की उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर भी आके वो तय करता है, यहाँ पे आके रुक जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है AB की जो डायरेक्शन आ जाएगी वो वेस्ट आ जाएगी,
और जो डिस्टेंस आ जाएगी वो 50 मीटर आ जाएगी। तो 50 मीटर वेस्ट आपका सही आंसर होगा, 50 मीटर वेस्ट आपका सही आंसर होगा। तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 50 मीटर वेस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा, वह जो है स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन में है और 50 मीटर की दूरी पर है। तो 50 मीटर वेस्ट आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है आप डायरेक्शन के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि डायरेक्शन क्या होता है, कैसे आप डायरेक्शन के डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है ना, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कब आपको जो है पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, कब नहीं लगानी है, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।